दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नशे के दौरान वाहन चला रहे लोगों की जांच कर उन्हें समझाइश दी जा रही है। साथ ही ओवरलोड और नो एंट्री टाइम को लेकर सचेत किया जा रहा है। शहर में लगातार वाहनों की संख्या के साथ ही नशे का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ अब दुर्ग यातायात विभाग पुलिस ने अभियान छेड़ सघन जांच शुरू कर दी है और शहर के मुख्य चौक चौराहों में चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग यातायात पुलिस विभाग के DSP सदानंद वृद्धराज के नेतृत्व में दुर्ग के पुलगांव चौक में सघन जांच की गई। इस दौरान नशे का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों की जांच की गई, साथ ही भारी वाहनों की शहर के अंदर नो एंट्री टाइम को लेकर वाहनों को समझाइश दी गई। इस दौरान यातायात विभाग के द्वारा वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस संबंध में यातायात पुलिस विभाग के DSP सदानंद वृंदराज ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। वैसे सामान्य कार्रवाई की जा रही है जो रूटीन पे चलता है, और मैं इधर नो एंट्री का जो टाइमिंग हुआ है 1:30 बजे का, तो उसको चेक करने के लिए सुपरविजन पे आया हुआ था। यहाँ हमारे यहाँ नो एंट्री चालू होती है 1:30 बजे से चालू होती है, जो 4:30 बजे तक रहती है। किंतु ये जो हम लोग 1:30 बजे जो एंट्री देते हैं, तो ये उन्हीं गाड़ियों के लिए है जिनको लोडिंग अनलोडिंग का काम दुर्ग में या भिलाई में करना होता है, केवल उन्हीं के लिए परमिशन है। अभी यहाँ से नो एंट्री चालू होती है, वहाँ हम लगभग 4 बजे मतलब नो एंट्री बंद कर देते हैं। मैं वैसे देख पा रहा हूँ तो यहाँ काफ़ी तादाद है शराब सेवन की काफ़ी तादाद है, और हर स्तर पर है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, छोटी फोर व्हीलर हो, बड़ी फोर व्हीलर हो या हैवी व्हीकल्स हो, सभी में शराब सेवन की प्रवृत्ति है। इसके लिए बहुत ही यहाँ तो लगभग अभी 4 महीने से बहुत ही पुख्ता कार्रवाई की जा रही है कार्रवाई पे, लेकिन वही हो सकता है कि शराब को अपन फाइन करा सकते हैं, उनकी आदतों में सुधार बहुत कम आ रहा है। फिर भी अभी देखने पे ये आया है कि जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास पे इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, वो लोग प्रॉपर अपनी रुचि लेते हुए अपने सारे चालकों को और सह चालकों को इस विषय में उन्होंने ब्रीफ किया है कि शराब का सेवन ना करें। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।